और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़े मामले पर बड़ी खबर, जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। कल याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। तो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कल याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कल ही इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका है जिस पर कल ही सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसमें जल्द चुनाव की मांग की गई है और जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाव के लिए तैयार हुआ है और कल इस पर सुनवाई होगी। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है, क्या अपडेट है? बिल्कुल अबू, देखिए साफ तौर से हर्षदेव सिंह की तरफ से याचिका मंजू सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है कि चूंकि लंबे समय तक किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी राज्य को जो फिलहाल संवैधानिक दायित्व है उससे वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव समय से पहले करवाया जाए ताकि तमाम जो नागरिक हैं उनको उनका अधिकार और भी पुष्ट तरीके से मिले और साथ ही साथ जिस तरह तमाम आतंकवादी घटनाएं होती थी उसके बाद अब जम्मू कश्मीर राज्य कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे शांत हुआ है तो ऐसे में चुनी हुई सरकार की बेहद आवश्यकता है जम्मू कश्मीर में। लिहाजा इस पूरे मामले में तमाम जो नागरिकों का दायित्व है उसके अधिकारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में न केवल केंद्र सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी ये आदेश दे कि समय से पहले वहां पर फिलहाल चुनाव करवाया जाए। अब इस पूरे मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा, संभवतः 11:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम होगा कि जम्मू कश्मीर में समय से पहले चुनाव कराने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब दो बड़े मामले हैं वो एक तो आर्टिकल 370 और दूसरा उससे पहले फिलहाल चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है। तो देखना बेहद अहम है कि कल की जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल सुशील पांडे, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सुशील हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें बेसब्री से चुनाव का इंतजार है और अब सुप्रीम कोर्ट कल इस पर जब सुनवाई करेगा जल्द चुनाव को कराने को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिमार्क या जो भी फैसला आता है वो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, अब वो देखिए साफ तौर से लंबे समय से फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो जनता है वहां पर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कोई भी उथल पुथल नहीं देखा गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जनगणना के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर केंद्र सरकार ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो ये माना जा सकता है कि जिधर केंद्र सरकार की तरफ से तैयारियां हों और जम्मू कश्मीर में चाहे जो भी मुद्दे हों लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जैसा आप बता भी रहे थे कि तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है, तो यह माना जा सकता है कि कल की सुनवाई कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव का भविष्य तय करे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से जवाब तलब करेगा और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार का चुनाव करवाने की प्रक्रिया पर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है कोर्ट और क्या केंद्र सरकार का रिमार्क होगा इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जो तमाम याचिकाकर्ता है वो किस तरह संतुष्ट करते हैं कि क्यों जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा अबू कि जम्मू कश्मीर की इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट कितना कन्विंस होता है और आगे सुनवाई के लिए तैयार होता है। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो अब देखना अहम होगा कि जल्द चुनाव कराने वाली याचिका पर कल सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है।